हेलो दोस्तों, तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं 9 क्लास का चैप्टर 1, जो कि 1.3 का एक्सरसाइज सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो हम लोग करते हैं। क्या क्वेश्चन में क्या बोला, 4 1/8 है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बताना है कि इसको डेसिमल एक्सपेंशन में तोड़ना है और इसको बताना है कि कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है। ठीक है, तो इसको तोड़ते हैं। 4 8 32 1 33 33/8 है, इसको हम लोग सॉल्व करेंगे। 8 से 33 को मल्टीपल करेंगे। 8 4 जा 32 1 1 है, 8 से नहीं जाएगा, पॉइंट ही देंगे, 0 बैठाएंगे, पॉइंट का मतलब 0। 8 1 जा 8 2 पॉइंट का, अब 2 भी 8 से नहीं जा रहा तो पॉइंट का मतलब मेगा 0 बैठाएं, क्या होगा, 8 2 जा 16 नहीं जा, 16 20 में 16 घटाएंगे, 4 बचेगा, पॉइंट दिए, इसके बदले में हम लोग एक और 0 बैठा सकते हैं, क्या होगा, 8 5 जा 40 मेरा कट गया। अब क्या आया, 1 4 0.125। देखो पॉइंट के बाद है ना पढ़ना, 4.125 नहीं बोलेंगे, 4.125 तोड़ के बोलेंगे। अब देखिए मेरा कौन सा डेसिमल एक्सपेंशन है, टर्मिनेटिंग है, कट के ख़त्म हो गया, कट के ख़त्म हो गया तो क्या हो गया, टर्मिनेटिंग डेसिमल। तो इसको लिखेंगे टर्मिनेटिंग डेसिमल। ठीक है, इसको उतार लो, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। तो अगला क्वेश्चन है क्या, 3/13, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। क्या करेंगे, 3/13, 1303 को जाएगा नहीं जाएगा, तो इसलिए हम लोग करते हैं क्या, देखो 13/3, 13 से 3 भागा नहीं जाएगा, तो इसलिए हम लोग क्या करेंगे, पॉइंट देंगे, पहले क्या पॉइंट देते हैं, पॉइंट के बदले में क्या, एक 0 बैठाएंगे, जा रहा है 13 से 2 बार में, 13 दूनी 26 क्या हुआ, 4 4, 13 से 4 नहीं भाग लगेगा, तो फिर हम लोग क्या, पॉइंट दिए, इसके बदले में एक 0 और हम बैठा सकते हैं, बैठा दिए, 40 हो गया। अब 13 से 13 3 39 बचेगा क्या, 1, एक बचेगा घटेगा तो 13 से वो 1 नहीं कटेगा, तो इसलिए हम क्या करते हैं, पॉइंट दिए, इसके मतलब एक 0 और बैठा सकते हैं, 13 एक बैठा दिए तो कटा, फिर भी नहीं कट रहा है, 13 है यहाँ 10 है नहीं जाएगा, तो इसके बदले में क्या, पॉइंट के बदले में एक 0, यहाँ पर बढ़िया से समझना, ठीक है, पॉइंट के बदले में एक 0 दिए, ठीक है, नहीं कट रहा है, तो एक 0 और हम लोग देंगे तो कटेगा, तो एक 0 यहाँ भी देंगे ना, तो हम लोग यहाँ भी एक 0 देंगे। ठीक है, अब क्या, 13 सती 91 क्या बचा, 9, 1309 तो नहीं जाएगा, आगे हम लोग बढ़ सकते, 13 का पॉइंट दिए, इसके बदले हम लोग एक 0 बैठा सकते हैं, 13 6 बार में, 13 6 78 अब क्या हुआ, 10 में से 1 9, 8 में से 7 1 19 बचा, 13 6 78 हो गया, यहाँ पर 71 लिख गया, तेरह छक 78 78 क्या बचेगा, 10 में से 8 2, 8 में से 7 12 पॉइंट दिए, इसके बदले में एक और 0 हम लोग बैठा सकते, 13 से 91 13 8 104 13 9 9 बार में लगाते हैं, 120 है ना, 120 13 9 117 अब काटेंगे, क्या बचेगा, 3 10 में से 7 3 ये 0 बचिए 3, फिर हम लोग क्या, पॉइंट दिए, इसके बदले हम 0 बैठाएंगे, तो क्या आएगा, 13
दुनी 26। देखिए यहाँ तक तो हम लोग किए, तो यहाँ पर देखिए फिर से हम लोग का तीन आ गया। यहाँ देखिए तीन था शुरू में तीन था, यहाँ भी तीन आ गया है ना। तो ये क्या है, फिर से रिपीट होते जा रहा है। ये दो आएगा, फिर यहाँ क्या आएगा, फिर तीन आएगा, फिर क्या है ज़ीरो आएगा, फिर सेवन आएगा, फिर सिक्स आएगा, फिर नाइन आ गया, फिर टू, यहाँ तक नाइन तक फिर से मतलब रिपीट होता जाएगा। तो कहने का मतलब है कि यहाँ तीन आएगा ना, तीन वहाँ तक रिपीट होता चलेगा, यानी नाइन के बाद रिपीटेशन शुरू हो जाएगा। मेरा तीन आ गया, तीन आया ना, 120 में से 117 घटाएगा, तीन आएगा, जो तीन मेरे यहाँ से फिर से ये रिपीट होता चलेगा। तो इसको हम लोग क्या क्या लिख सकते हैं, पॉइंट है इसके मतलब सूटेबल स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखेंगे तो इसको 0.2307 69, और ये मेरा क्या है रिपीट करता चलेगा, रिपीट करता है। तो इसको हम लोग कैसे लिखेंगे, बार ये टोटल रिपीट करेगा, तो इसको क्या लिखेंगे, नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। डेसिमल, ये क्वेश्चन समझ में आ गया, ठीक है। तो इसको उतार लो,